आरबीआई इन दिनों सख्त मोड पे दिख रहा है। पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी और अब देश के बड़े प्राइवेट बैंक्स में शामिल कोटक महिंद्रा के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। आरबीआई का एक्शन हुआ है जिसकी वजह से कोटक महिंद्रा के ऊपर काफी असर भी देखने को पड़ा, चाहे वो शेयर्स की बात हो चाहे वो कोटक महिंद्रा के फाउंडर की नेटवर्थ गिरने के बारे में हो। तो देखिए, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शामिल कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में गुरुवार को तकरीबन 12% की गिरावट आई। आरबीआई ने बुधवार को बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए कस्टमर्स को जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। इसका असर थर्सडे को बैंक के शेयर्स पर भी दिखा। बीएसई पर कंपनी का शेयर 10.85% गिरकर 1643 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 12.10% गिरकर अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर 1620 रुपए पर आ गया था। इसी तरह एनएससी पर भी कंपनी का शेयर 10.73% टूटकर 1645 रुपए पर शेयर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 13% की गिरावट के साथ 1602 रुपए पर शेयर तक पहुंच गया, जो कि इसका एक साल का न्यूनतम स्तर है। शेयर्स में गिरावट से कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उदय कोटक की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट देखने को मिली। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ में थर्सडे को $1.24 बिलियन यानी के करीब 10,328 करोड़ रुपए की गिरावट आई। उनकी नेटवर्थ अब $13.1 बिलियन रह गई है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 155वें नंबर पर खसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में $1.52 बिलियन की गिरावट आई है। कोटक महिंद्रा बैंक में उदय कोटक की 5.71% की शेयर होल्डिंग है। शेयर्स में गिरावट के साथ ही बैंक का मार्केट कैप भी 39,768.36 करोड़ रुपए घटकर 3,26,615.40 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि पहले 3,66,383 करोड़ रुपए पर था। कंपनी का शेयर बीएसई और एनएससी दोनों में सबसे ज्यादा नुकसान में रहा। इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़ते हुए एक्सिस बैंक बाजार वैल्यू के हिसाब से देश का चौथा सबसे बड़ा वैल्यूएबल बैंक बन गया है। एक्सिस बैंक का एम कैप 3,48,014.45 करोड़ रुपए रहा। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से इनके मार्केट कैप के लिहाज से HDFC बैंक, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक तीन सबसे वैल्यूएबल बैंक हैं। आईटी मानदंडों का बार बार अनुपालन ना करने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए कस्टमर्स को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से तत्काल प्रभाव पर रोक लगा दी है। बैंकिंग रेगुलेटर ने बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन में गंभीर कमियां पाई थी, जिसकी वजह से ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अब ऐसे में सवाल तो बहुत सारे हैं, बैंक के शेयर्स को लेकर भी है कि इन्वेस्टर को क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या इसका हाल भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरह होने वाला है, क्या आरबीआई अपने एक्शन पर थोड़ा सॉफ्ट होगा या नहीं होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।